नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज हमारे साथ कालपी वाले भैया बैठे हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? दशरथ सिंह। दशरथ नाम है भैया का। और ये इस गाड़ी से आए हुए थे, ये जा रही है i20, ठीक है, इसी से आए हुए थे अपने गाँव से। ये कालपी के पास में इनका गाँव पड़ता, क्या गाँव का नाम है? अठरा खुर्द पड़ता है भाई। तो ये ब्लू वर्ड के लिए आए हुए थे, पहले भी दो तीन बार आ चुके कानपुर, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कभी हम कहीं बाहर थे और तो कभी ये फैमिली के साथ में थे, और वाटर पार्क सबको घुमाना भी था, उसके बाद वापस जाना था, तो ये कुछ इस हिसाब से था, इस वजह से नहीं मिल पाए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई इनके साथ में, इनकी गाड़ी आ गई, चल रही है पीछे पीछे, इनकी गाड़ी में ईंधन डलवाएंगे, उसके बाद हम वापस हो जाएंगे और ये वो चले जाएंगे ब्लू वर्ड। ये बताओ पिछली बार जब आए थे टिकट कितनी पड़ी थी, है कुछ यार? वही पड़ी थी 950 रुपये। 950 रुपये में A to Z था सारा कुछ? हाँ, सारा खाना पीना, सारा खाना पीना सब कुछ, सारे झूले उले सब कुछ, नहाना धोना खाना पीना कंप्लीट। वो कॉस्ट्यूम तो लेना पड़ता होगा ना? अलग से लगता है। अच्छा, कॉस्ट्यूम जो लोगे उसका अलग से, और जब नहाना होगा तभी कॉस्ट्यूम लोगे, नहीं तो कोई जरूरत पड़ती नहीं। तो कॉस्ट्यूम का कितना पड़ता है? कॉस्ट्यूम का वो 200 रुपये जमा कराते हैं। हाँ। और जब आप रिटर्न देने जाते हो तो 100% रिफंड हो जाते हैं। अच्छा, कुल मिला के 100 रुपये ही काटते हैं। 100 रुपये लेकिन जमा करा लेते हैं 200 रुपये, ताकि आप उसे उठा के ना ले जाओ जी। नहीं तो मालूम हुआ लेके चले गए। हाँ। फिर उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए वैसे तो चार्ज 100 रुपये ही है, लेकिन वो डिपॉजिट 200 रुपये कराते हैं। हाँ, ये कुछ सिस्टम है। और तुम्हारे पास इस समय गाड़ी है रेनॉल्ट की किगर? किगर। और सोच रहे हो कि कमर्शियल व्हीकल कोई लिया जाए, ऐसा सोच रहे हो? सोच रहे। तो वही जानकारी भैया लेने आए थे। हमने भाई यही बताया कि भाई इस धंधे में कंपटीशन बहुत है और मेहनत बहुत है। आप अगर ढंग से मेहनत करोगे तो जैसे हम कमाते हैं वैसे तुम भी कमाओगे। और फिर इनके यहाँ कालपी में भाई ओला उबर भी नहीं चलता है, या तो झांसी चलता है पास में, या फिर कानपुर लखनऊ, ये शहर है, तो इनको घर भी छोड़ना पड़ेगा, है ना भाई? तो ये कुछ सिस्टम है। तो फिलहाल ये जा रहे हैं सभी लोगों के साथ में ब्लू वर्ड, नहाने धोने खाने पीने, और वहाँ के बाद फिर शाम तक तो फुर्सत कितने, 5-6 बजे निकलोगे तो? हाँ, वही निकलेंगे 5-6 बजे समथिंग। वहाँ से आने में कितना, 3 घंटा लगा होगा? हाँ, वहाँ से 3 घंटा घर से लगता है आने। हाँ, घर से आने में भाई दूरी भी तो है, लगभग 120-130 किलोमीटर गाँव से वहाँ पड़ जाता है। 130 पड़ जाता है। 130 किलोमीटर है वन साइड से। हाँ। और टोल भी दो पड़ते होंगे? नहीं, एक ही पड़ता है, ये 12 जोड़ वाला। हाँ, ये 12 जोड़। बहुत बहुत महंगा है भाई ये। हाँ, 340 रुपये का पड़ता है भाई। 300 आने जाने में 340 रुपये का एक टोल, समझ लो यार, दिमाग खराब कर देता है। इस क्षेत्र का सबसे महंगा वही है। हाँ। नहीं तो 200-300 किलोमीटर की रेंज में इतना महंगा कोई टोल नहीं है। तो अभी वो आए थे बेनोशा, इसलिए तो नहीं लगा। अच्छा, वो पुलिस में है? पुलिस में है। अच्छा, इस गाड़ी में होते तो पड़ जाता है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है। हाँ। तो उसमें वो नहीं छोड़ते, वो फिर ले ही लेते हैं। तो भैया से कर लिए मुलाकात, हम भी अपना काम पे निकलेंगे। हालांकि ड्यूटी हमने ऑन कर रखी है, लेकिन अभी कोई ढंग की बुकिंग आई नहीं है। कोई ढंग की बुकिंग आएगी तो जाएंगे, नहीं भैया को छोड़ेंगे, भैया जाएंगे अपना नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे। खाना होना कैसा वहाँ का? बढ़िया, भरपेट खा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है कि नहीं। आपको दो ही रोटी दी जाएगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा कुछ है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ आपको सब्जी मिलेगी, छोले पनीर की दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी और सूजी का हलवा मिलेगा। अच्छा, शुद्ध घी का मिलेगा वहाँ? शुद्ध घी का। और वेज ही मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा? नॉन वेज नहीं, सब वेज ही मिलेगा। उसका भी एक टाइम है? उसका भी एक टाइम है। हाँ, टाइम वही 12 बजे चालू हो जाता है, 12 बजे कभी भी खा सकते हो। कितने बजे तक रहता है ये? 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक एक बार खाओ चाहे दो बार खाओ? नहीं, सिर्फ एक बार अंदर जाओगे, उसके बाद फिर नहीं जा सकते। अच्छा भाई, ये भी है कि एंट्री आपको एक ही बार मिलेगी, एक बार में जितना खा पाओ उसका भी उतना खा लो। अच्छा, लेते हैं, उसके बाद टोकन जमा हो जाए, काम खत्म, फाड़ के फेंक ही देते हैं, फिर आपकी दोबारा एंट्री नहीं होगी। अब अगर बाहर से अंदर आ गए तो फिर नहीं जा सकते। हाँ, अनलिमिटेड, लेकिन एक ही बार के लिए। ये नहीं कि आप 12 बजे पहुंचे, पहले खा लिए और फिर 4 बजे निकलने के समय फिर आप एंट्री कर रहे हो उसके अंदर खाने के लिए, तो ऐसा वहाँ सीन नहीं है। अच्छा, झूले वूले वगैरह कैसा है? बढ़िया एकदम। नहीं नहीं, कितने बार भी झूलो या उसमें भी एक एक बार झूल सकते? नहीं, एक ही बार। अच्छा, एक ही बार झूलोगे? लेकिन जैसे डबल जाना भी है तो कोई इशू नहीं है, उसमें दोबारा भी जा सकते हो। अच्छा अच्छा, नहाने धोने में कहीं भी नहाओ दो, डीजे पीजे सब बचता रहे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी समस्या मतलब ये वहाँ लाइन भीड़ बहुत ज्यादा हो, कोई भी काम है उसमें ज्यादा टाइम बहुत लगता है, लाइन में खड़े रहो, कभी एक घंटे आप खड़े ही रहोगे। अभी भी बन ही रहा है, मैंने देखा है बाहर से, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कुछ ना कुछ में बनता ही रहता है। अब जंगल स्लाइड में चालू होगी ना, नई वाली? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ स्लाइडिंग दूसरी नई स्टार्ट की? नहीं, जंगल वाली है तमाम उसमें। तो आने वाले दिनों में कुल मिला के और भी अच्छा हो जाएगा? और भी अच्छा होगा, फिलहाल तो हम तो कई बार आ चुके हैं। तो भाई इनका जो है, ये तो खैर घूमने जा रहे हो अलग की बात है, बात करें बिजनेस की, तो इनका मन है कि सेकंड लिया जाए, और सही भी है भाई। सेकंड लेने में क्या फायदा है,
कि आप मान लो 3-4 लाख की ले लेते हो और साल 6-9 महीने बाद बेचना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा 10-20-50 हज़ार कम होंगे और उसमें आपका ज़्यादा घाटा नहीं होगा। अगर जो आप शोरूम से नई गाड़ी उठाते हो भाई तो 1-2 लाख तो आपके घाटे में ही चले जाएंगे। तो फ़ायदा क्या है, धंधा स्टार्ट करना है या तो फिर पहले किसी दूसरी गाड़ी चला के देखो महीने दो महीने कुछ दिन, या फिर नई दूसरे की मिल रही है तो अपना सेकेंड हैंड गाड़ी लेके, अच्छी गाड़ी सेकेंड हैंड 3-4 लाख मिल जाती है, इतने की ले के आराम से जो है चलाओ। आपका मन लगे तो ठीक है, ना मन लगे तो उसको प्राइवेट करा लो या फिर उसको बेच दो, जैसा भी है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो भैया को छोड़ते यार और छोड़ने के बाद फिर निकलते हैं भैया से, फिर जानकारी रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा, जब भी भाई कोई भी जानकारी लेनी हो तुम तुरंत फोन मिला सकते हो। बका हम तुम्हारे इधर आते जाते रहते हैं, बुकिंग कभी आना तो कॉल कर देना। चलो चलो बहुत अच्छा, तो ठीक। तो भैया आए गाड़ी धुलाने के लिए, भैया के यहाँ तो गाड़ी धुलवा रहे हैं भाई। तो पंडित जी, तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, हालांकि कॉमन होते हैं, आप लोग बता दें। जैसे कि पूछते हैं भैया लाइसेंस कौन सा लगेगा, भाई फोर व्हीलर का कोई भी लाइसेंस हो, XYZ सारे काम करते हैं, अपने यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र वगैरह में हो सकता है उधर जो है बिल्ला नंबर को लेना पड़ता हो, उधर का तो मुझे नहीं पता। यूपी में आपके पास कोई भी लाइसेंस हो फोर व्हीलर का, आप ओला उबर में गाड़ी आराम से चला सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 19 साल प्लस होनी चाहिए। मतलब 18 साल में तो आपका लाइसेंस बन जाएगा, लेकिन उबर में जब तक आपकी एज 19 साल शो नहीं करेगी पेपर में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मतलब लाइसेंस तो आपका 18 साल में बन जाएगा, लेकिन एक साल फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये गाड़ी कौन सी है, गाड़ी भाई आप स्वेच्छा के हिसाब से गाड़ी कोई भी चला सकते हो, कोई भी ले सकते हो और चला सकते हो, साइड में कुछ पैसे पड़े हुए निकाले हैं, ठीक है। तो भाई ये कुछ सिस्टम है और बताते आउट स्टेशन आएगी नहीं आएगी। भैया आउट स्टेशन कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो वैगन आर हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो अर्टिका हो, आप सभी पे आती है, ठीक है ना। मिनी पे, मिनी की कैटेगरी की जो है वो आपको वैगन आर पे आएगी, प्राइम सेडान की बुकिंग डिजायर पे आएगी और अर्टिका पे आएगी SUV की। लेकिन अर्टिका की कैटेगरी में तीन कैटेगरी होती है, मिनी की भी आएगी, प्राइम की भी आएगी, SUV की भी आएगी। लेकिन जो वैगन आर होगी उसमें सिर्फ मिनी की आएगी। तो बड़ी गाड़ी लेने से ज़्यादा फायदा, लेकिन उसमें पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आपका अपना जितना बजट हो, बजट के हिसाब से आप अपना गाड़ी ले सकते हैं, और गाड़ी नई हो पुरानी हो कोई मायने नहीं रखता, काम सभी पे आता है। आप काम करने लगोगे तो पुरानी गाड़ी पे भी आएगा, और नहीं करोगे तो भाई नई नई गाड़ियाँ लोग लाते हैं और नहीं चला पाते हैं। उसका यही होता है कि उनका गलत तरीका होता है गाड़ी चलाने का, तो इसमें नहीं चला पाते हैं। तो करते हैं वेट, गाड़ी धुल रही है। तो भैया बैठ के हम अपने गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और यहीं बैठे बैठे गाड़ी देखो दिखती है पूरी, कि हमारी गाड़ी में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दोनों मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिए हैं, बुकिंग का भी वेट कर रहे हैं साथ साथ में, एक साथ में दो काम, गाड़ी भी वॉश हो रही है और बुकिंग का वेट भी कर रहे हैं। हम 4-5 लोग थे, 2 लोग हमारे जा चुके हैं, उनकी गाड़ी क्लियर साफ़ हो चुकी है, हमारी अभी साफ़ होनी है। और दोनों विवेक और पंडित जी ये अपना आराम से यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ सुकून है। हालांकि हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है, लेकिन उससे बोल दिया है गाड़ी धुलने वाले से कि एक गाड़ी और है, अगर उनको जल्दी हो तो उनकी पहले धुल दो, हम यहीं पर बैठे हुए आराम से, काम तो कोई है नहीं, काम कोई आ नहीं रहा है, तो हम थोड़ी देर बाद धुलवा लेंगे भाई, यहाँ बैठे रहेंगे आराम से। तो देखते हैं कोई बुकिंग आती है कि नहीं आती, आती है तो ज़रूर बताएंगे भाई, अर्निंग वगैरह क्या होगी सारी चीज़ बताएंगे। हालांकि लोकल की राइड आ रही, लोकल की करनी नहीं है, तो करते हैं कुछ देर वेट यहीं पे, आराम से टाइम पास में, उसके बाद निकल चलेंगे यहाँ से। तो भैया आ गए पीयूष भाई के साथ में, और कुछ काम हमारा था, हमने तो अपना काम करा लिया, विवेक का काम हुआ नहीं, और मोहित भाई का भी काम जो है हो जाएगा, आज फोन पे ही भाई साहब कर देंगे। तो अभी क्या है, ये नई गाड़ी है, हमारे भाई साहब सरवन खेड़ा से आए, ये भी गाड़ी अटैचमेंट कराने के लिए आए हैं। ऊबर के तो वेंडर है भाई, ऊबर का तो काम कर देते हैं, ओला के लिए भाई कुछ समझना पड़ता है। तो आप कभी भी आके पीयूष भाई से मिल सकते हो, पीयूष भाई एक बार अपना नंबर बता देना, वैसे तो हम बता चुके हैं। राम राम भाइयों, जो है मेरा फोन नंबर है 9721064444, और पिछले कुछ दिनों में व्यस्तता के कारण फोन जो है समय से नहीं उठ पा रहा था, जवाब दे पा रहे थे, लेकिन अब ये जो है आज से सबका फोन जो है अगर उठ भी नहीं पाया तो जवाब सबको मिलेगा, हम कॉल बैक कर लिया करेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे ज्यादा कर चैट किया करें, आसानी रहेगी। आप जो है अगर तो किसी का फोन छूट जाता है या दूसरे कॉल में है नहीं उठा पाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, हम उसको जो खाली समय में व्हाट्सएप चेक करके हर आदमी को जवाब दे देते हैं। तो ठीक है भाइयों, पीयूष भाई बहुत जो है बिजी है, समय 4-6 लोग हैं, मतलब 4 लोग तो हम ही लोग हैं और दूसरी गाड़ी से भी 4-6 लोग आए हुए हैं,
सब लोगों का अपना अपना काम है और बहुत व्यस्तता इनके पास है, तो बस इनका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ से हम लोग फटाफट निकलते हैं और जिसको भी काम कराना हो तो आके पीयूष भाई से मिल सकता है। ठीक है भाइयों। हेलो भाइयों, अपने पास बुकिंग आ चुकी है जो कि कोना थाना से पिकअप है और शायद गोमती नगर साइड में लखनऊ में इनको जाना है। कस्टमर से बात हो चुकी है। हम भाई गए थे बिठूर, एक हमारे दोस्त का जो है उसने मीटर कटवा दिया था, सरेंडर कर दिया था इलेक्ट्रिक बिजली वाला मीटर, और उसके यहाँ भाई बिल आ गया था 30,000 रुपये का। तो वही जब मीटर कटवाया था भाई तो उसको एक रिसीविंग मिली थी, सरेंडर किया था मीटर, तो वही वो रिसीविंग लेके गया था बिजली घर वहाँ बातचीत करने के लिए, और वहाँ से लौट ही रहे थे भाई कि रास्ते में ही बुकिंग आ गई थी। बिठूर में था, हम लोग गए थे बिठूर से वापस आए और चिड़ियाघर के पास उसको उतार दिया। उतारने के बाद फिर हम जा रहे सीधा पिकअप के लिए, बुकिंग रास्ते में ही आ गई थी। कस्टमर से बात की तो बोला ठीक है भैया आ जाइए आप, तो अब जा रहे पिकअप करने और इनको लखनऊ में ड्रॉप करेंगे। कितना क्या फेयर वगैरह बना है सारे डिटेल मिलेंगे आपको इसी ब्लॉग में, तो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो भैया आ गए लखनऊ में। लखनऊ के जो है कौन सा खंड है भाई, पढ़ के बता रहे हैं, विराट खंड गोमती नगर, विराट खंड गोमती नगर में है भाई। कस्टमर को ड्रॉप कर दिए हैं, पेमेंट जो है यूपीआई में दिया कस्टमर ने, खैर नगद दे या यूपीआई में दे बात तो एक ही है, तो कहने का मतलब ये है। तो भाई इनको ला के हमने छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद क्या सिस्टम है कि अब वेट कर रहे हैं भाई, ऊबर में गोटू लगा लिए हैं एयरपोर्ट की, और इन ड्राइवर वगैरह सबको देखो खोल रखी है, ठीक है, इन ड्राइवर इधर खोल रखी है, रैपिडो इधर खोल रखी है, ओला ऊबर मतलब सारा कुछ खोल रखा है। इधर से कोई लोकल की राइड मिलती है तो लेके पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट की साइड में, वहां से फिर कोई ना कोई राइड मिल जाएगी कानपुर जाने के लिए। फिलहाल भाई गाड़ी हमारी सुबह से बहुत चल चुकी है क्योंकि अपने ही काम में चला दिए थे। ये देखो भाई मतलब 8 बजने वाले हैं, 170 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अब क्या ही बताएं भाई। हालांकि ईंधन हमने रास्ते में भरा लिया था, ईंधन की तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखो क्या है ना, ये छोटी छोटी सी बुकिंग आ रही है तो इनका कोई मतलब नहीं, कोई ढंग की बुकिंग आए जो कि हम उसी एयरपोर्ट की तरफ जो कस्टमर जाएगा उसी को लेके हम इधर से निकल जाएंगे। फिलहाल के यहाँ पे कर रहे हैं वेट, देखते हैं कितनी देर के बाद हमारी बुकिंग आती है। फिलहाल कल का भी दिन अपना अच्छा गया था और आज का भी अच्छा जाएगा, तो ये भाई रिक्वेस्ट तो आ रही है लेकिन ये टेढ़ी पुलिया की है भाई, ये देखो, तो इसको नहीं ले जाएंगे, इसको पास कर देंगे, कोई मतलब नहीं इसका। जब हमारी डिस्टिनेशन की तरफ की आएगी जो हम गोटू लगा रखे हैं एयरपोर्ट का, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहीं अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे, वेट करेंगे अच्छी बुकिंग आने का। जैसे कोई आती निकलते हैं फिर आपको अपडेट वगैरह बताते हैं कि ईंधन वगैरह हमारा कब कितना लगा है और बचत हमारी कितनी हुई है, गाड़ी कितनी चली है। फिलहाल आज गाड़ी हमारी ज़्यादा चलेगी, लगभग 170 चल चुकी है, 100 और चलेगी मान के चलो, हाँ तो लगभग 280-300 आज चल जाएगी, तो कोई बात नहीं देखेंगे। फिलहाल इसमें देखो सिर्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश लिख के आ रहा है, ये कोड से समझ में आता है 22-60-10, इस पिन कोड से समझ में आता है कौन से एरिया, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ भाई, तो कौन से एरिया में रखने में पिन पड़ेगा वो तो हमें पता नहीं, तो इसको मैं जाने दूंगा, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो ठीक है वेट करता हूँ, कोई बुकिंग आती है फिर बताते हैं आपको। तो भैया फाइनली बुकिंग हमको मिल चुकी है, जो बुकिंग मिली है रायबरेली रोड से बनी मिली है भाई, और पिकअप के लिए जा रहे हैं। 16 किलोमीटर दिखा रहा था, ये देखो पिकअप लोकेशन 16 किलोमीटर था लेकिन 15 बचा है, 19-20 मिनट दिखा रहा है, और 4 बजे बुकिंग आई थी। पिकअप है हमारा सुबह 5:30 बजे का, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 घंटे शेड्यूल में आई थी। कस्टमर से बात हमारी हो चुकी है और हम निकल लिए हैं सीधा पिकअप के लिए, और इनको ड्रॉप करना है भाई कल्याणपुर, जैसा कि ऐप में दिख रहा है। अब जाके फटाफट पिकअप करेंगे और पिकअप करके निकल लेंगे एयरपोर्ट के अंदर से, जो रास्ता जाती है शहीद पथ के लिए, फ्लाईओवर बना हुआ है इसी रास्ते से जा रहे हैं, गूगल मैप यही रास्ता दिखा रहा था। तो भाई आज रात में यहीं सोना पड़ गया भाई, ये देखो भाई आज रात यहीं सो गए थे, हालांकि ये चौथी बुकिंग है, 2 रात में आई थी कल
और एक अभी सुबह इससे पहले भी बुकिंग आई थी 3 बजे, उसको भी एक्सेप्ट किया लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। ये चौथी बुकिंग है जो कि ये तो जेन्युइन लग रही है। अब जाके कस्टमर को पिक करते हैं, जब तक गाड़ी में बैठना जाए तब तक भाई कोई भरोसा नहीं है, कस्टमर जाएगा भी कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फटाफट चल के पिकअप करते हैं, चल के पिकअप करने के बाद फिर आपको बताते हैं फेयर वगैरह के बारे में, कानपुर पहुँचने के बाद कितना क्या ईंधन लगा है। ये हमारा डिस्प्ले है कुछ, ठीक है समय रहा ये, और ट्रिप भी को हमने 0 किया था जो कि 203 किलोमीटर कल से आज तक चल चुकी है। मिलते हैं फिर कुछ देर बाद, कस्टमर को पिक कर ले भाई, ठीक है। आ गए भैया वापस गुलमोहर ग्रीन अपने सिंहपुर गांव के पास में, एकदम घर के पास में मान लो, और जिन कस्टमर को लाए उनको ड्रॉप कर दिए। पीछे भी एक लोग गाड़ी के पास भी खड़े हैं भाई, ये देखो बंदर के बच्चे देखो चल गर्मी कर रहे हैं भाग रहे हैं। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि रात भर भाई रुकना पड़ा और सुबह राइड मिली लेके आए। 1972 का टोटल फेयर बना हुआ है। 1972 में ओला ने हमको नाइट लंच दिया है 100 रुपये, और 100 रुपये दिया दैनिक भत्ता, और टोटल मिला के 1600-1700 रुपये कुल मिला के हमको दिए हैं। अभी हम आपको बिल दिखाएंगे, बिल दिखाई देते हैं भाई, टोटल 1770 रुपये दिए हैं। ये देखो भाई आपको दिखा दें, ये देखो 1770 रुपये। अब इसकी डिटेल में हम जाके आपको दिखाते हैं सारा कुछ, किस किस चीज़ का कितना कितना रुपए दिया, कितना गाड़ी चली है, वो हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। ये देखो भाई 96 किलोमीटर, 2 घंटा 35 मिनट का समय लगेगा, 90 रुपये टोल के दिए, कुल किराया 1972 जो कि बिल बना था, ठीक है 1570 रुपये ऑपरेटर बिल है, टोल 90 रुपये अलग से हैं, ओला ने कमीशन लिया 15 रुपये 86 पैसे, GST सरकार को भुगतान किया 95 रुपये 83 पैसे, और हमारी अर्जित राशि 1660 रुपये, दैनिक भत्ता 100 रुपये, रात्रि अलाइंस 100 रुपये, कैश एकत्र 1942, ट्रिप का बैलेंस 111 रुपये। ये समझ लो भाई कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो कुल मिला के बहुत थक गए हैं और अपने घर के पास आ गए, यहीं सीधा घर चले जाएंगे, फिर कोई राइड आएगी तो निकलेंगे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खुशी याद रहें, जय हिंद जय भारत।